भारत माता चौक की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पूरी तरह से रोड जो है वो जाम हो गया है। नहीं भाई साहब, ये कितनी देर से यहाँ पर? बड़ी देर से जाम है। कितनी? काफी, आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से ये जाम लगा हुआ है। सर आप कितनी देर से यहाँ फंसे हुए? सर घंटा हो गया एक लगे हुए, एक घंटा हो गया। एक घंटे से फंसे? नहीं, ये जाम लगा क्यों है? पता नहीं सर, पुलिस प्रशासन कर रही है। पुलिस वाला ही नहीं दिख रहा इधर। पुलिस वाले वो खड़े हैं, आगे आ नहीं रहे हैं। पुलिस वाले रो रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पर ये लोग मान ही नहीं रहे। सर मानते हैं, सब मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? सर एक घंटे से ऊपर हो गया, आप खुद ही हिसाब लगा लो। ऐसी हमारी पुलिस प्रशासन है, देख सकते हो आप। ये पूरा का पूरा भारत माता चौक जाम है, और जाम की वजह अब बाइक वाले बीच में आए हैं, कौन आया है, लेकिन ये पूरा भारत माता चौक पूरा पूरा रोड ब्लॉक है। पुलिस वाले कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई समझा। ये देखो, बाहर निकलेगी नहीं यहाँ से गाड़ी, देगा बाहर जहाँ से गाड़ी निकलेगी। डबल रोड की है, पहली बार तो गलत हो गए, कैसे जाओगे? समझ ही नहीं आप लोग, पूरा भारत माता चौक जो है वो जाम है, और पुलिस वाले अब इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक घंटे से ये पूरा का पूरा यहाँ पर जाम है। अब यहाँ पर स्थिति ऐसी है, होती है कि बाइक वाले जो हैं वो चाहते हैं कि जल्दी जाएं, दूसरे चाहते हैं कि जल्दी जाएं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे में जब जाम लग जाता है तो जाम में लोग सफ़र करते हैं, एक एक घंटे से लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, एक एक घंटे से यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, और वो क्या कोई समझ नहीं आ रहा। अब जाकर ये थोड़ा थोड़ा जाम जो है वो आ जा रहा है। ये देखें, नहीं आपको पता कब से लगा? नहीं भैया, मैं ऐसे नहीं कहता, ऐसे कहता हूँ जाम लगा। ये कितनी देर से जाम लगा हुआ है? होने लगा है यार, थोड़ा यार, 5 मिनट नहीं होने लगे। 5 मिनट होए? हाँ, इन्हें होगा क्या? एक एक घंटा हो गया, घंटा किधर होया? मैं अपनी गड्डी उधर से कढ़ा रहे, इधर से जाम लगा रहे, इधर दोनों से चार गड्डियां चल नहीं चल रही, थल्ले से आ रही, ऊपर से भी आ रही। अच्छा। जाम लगना पूरा, ये थल्ले पूरा जाम है। ये तो कह रहे हैं पुलिस वाले 5 मिनट हुए हैं जी, 5 मिनट से ज्यादा, लेकिन लोग जिस तरह से यहाँ पर सफर कर रहे हैं, ये पूरा आप नीचे देखें सारा का सारा जाम है, पूरा का पूरा रोड ब्लॉक है। ये इस तरफ भी आप भारत माता चौक की तस्वीरें देखेंगे, इस तरफ भी आप देखेंगे तो पूरे की पूरी पूरा रोड ही ब्लॉक है। यहाँ पर अब थोड़ी इक्का दुक्का गाड़ियां जो हैं वो हिलाई हैं। रघुनाथ बाजार की आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये लोग देखें। हेलो, क्या
तस्वीरें देखें, यहाँ पर पूरी तरह से पूरा रोड जो है ब्लॉक है, जाम लगा हुआ है, कोई रास्ता नहीं है निकलने का। ये स्थिति है हमारे भारत माता चौक की, और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो देखने को नज़र नहीं आ रही। इस तरह से यहाँ पर चारों साइडों से यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं, और गाड़ियाँ जब यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इतना लंबा और इतना समय तक जाम जो है यहाँ पर लगा रहा। और दो पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ लोगों से लड़ाई कर रहे हैं। पहले तो ये हमें कह रहे थे कि यहाँ पर हम क्या करें, लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। और लोग सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, ये बाइक वाले नहीं सुनते हैं, वो आपस में ये दोनों पुलिसकर्मी ये आपस में झगड़ रहे थे कि यहाँ ये सुनते नहीं है, जहाँ जाम लग जाता है, और हम दो लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अब करें क्या, वो पीछे खुल गया जाम। अभी तक रघुनाथ बाज़ार के अंदर जाम लगा हुआ है, ये बीच रास्ते में, और लोग गाड़ियाँ भी ऐसे लगाते हैं कि यहाँ पर निकलने का कोई रास्ता जो है वो नज़र नहीं आता है। और लोग एक एक घंटा यहाँ पर 30 सेकंड लगेंगे, वहाँ पर अगर लोग एक एक घंटा इंतज़ार करेंगे तो बोलेंगे कि क्या व्यवस्था है ट्रैफिक की। और ट्रैफिक पुलिस का एक भी कर्मचारी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ट्रैफिक पुलिस का एक कर्मचारी भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और दो पुलिसकर्मी लगाए हुए हैं, वो बेचारे यहाँ पर कर रहे हैं कोशिश कि यहाँ पर जाम हटाएं, लेकिन जब लोग नहीं सुनते हैं, लोग नहीं मानते हैं, तो समस्या जरूर होती है। नहीं, ये कितनी देर यहाँ पर, कितना लंबा जाम लगा रहा है ये? दस मिनट। यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं होते हैं? वो नहीं होते हैं, जहाँ पर है कसूर है वो पार्किंग वालों का। वो पार्किंग वाले गाड़ी अंदर छोड़ते नहीं, तो बाहर गाड़ी लग जाती है, जाम लग जाते हैं। नहीं, वो पार्किंग जो अंदर नहीं पार्किंग बनी हुई, फुल हो जाती है ना, वो तो जगह नहीं होती, लोग गाड़ी जाते हैं वहाँ पर जबरदस्ती। अच्छा, लोग अंदर जाना चाहते हैं तो वो रोड ब्लॉक कर देते हैं। बस 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 इतनी, उसी से जाम लग जाता है। ये कितना, कोई एक डेढ़ घंटा लगा रहा जाम? हाँ, तो आधा घंटा हो गया। ये हर रोज यही होता है? डेली हर घंटे के बाद, ये काम होता है। ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं आते? ना, ट्रैफिक वाला कोई नहीं होता यहाँ पर। वैसे उनकी ड्यूटी है, पहले होती थी, अब आता ही कोई नहीं। तो ये देखें, ये भी क्या करेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं जो नई पार्किंग यहाँ बनी हुई है, क्या करेगा यहाँ पर? इसको रोकेगा, उसको रोकेगा, उसको रोकेगा, ये बात है ना। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक पार्किंग बनाई गई है, नई पार्किंग, जो जब फुल हो जाती है तब गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर यहाँ पर रुक जाती हैं, क्योंकि उनको अंदर जाना होता है, तो वो रोड ब्लॉक करती हैं। जब वो रोड ब्लॉक करती हैं तो फिर पूरे के पूरे चारों साइडों से गाड़ियाँ आती हैं, तो सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना, और एक एक दो दो घंटा जहाँ पर जाम लगा रहता है। और ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था जब नहीं होती है तब परेशानी और भी बढ़ती है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस का होना ज़रूरी है। ट्रैफिक की व्यवस्था को कैसे ये लोग यहाँ पर चलाएंगे? दो लोग लगाए हुए हैं, कोई एक दो बंदे की, और ट्रैफिक पुलिस के एक दो बंदे की यहाँ पर ड्यूटी लगा दी जाए, ताकि वो मैनेज करें। चारों साइडों से गाड़ियाँ आ रही हैं, और ट्रैफिक की व्यवस्था अगर ठीक नहीं है तो फिर लोग खासे परेशान होते हैं। बाकी आप देखते रहे दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।